कि इलेक्ट्रिशियन को करंट क्यों नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए मैं डायरेक्ट ये जो ब्लैक कलर का दो वायर है इसको मैं डायरेक्ट करंट से लेके आया हूँ, और ये होल्डर है, होल्डर का एक मैं कनेक्शन कर लिया हूँ, एक खाली है, ठीक है, ये खाली रखा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए ये मैं 100 वाट का बल्ब लगाया हूँ। तो दोस्तों ट्रिक ये है, इसमें देखिए शो कर रहा है करंट, आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं टेस्टर में शो कर रहा है इसमें करंट है। तो दोस्तों ट्रिक ये होता है इलेक्ट्रिशियन का कि जैसे कि एक वायर को अगर आप ऐसे टच कीजिएगा तो ये करंट नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग का अर्थिंग से बॉडी टच नहीं रहता है, ठीक है। देखिए ये वाला है, इसको भी ऐसे टच करेंगे तो करंट नहीं लगेगा, तो इसमें लेकिन करंट है, ये देखिए करंट है लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। देखिए ये देखिए इस टाइप में देख लीजिए, नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर मैं ये दोनों करंट दोनों टच करूंगा तब मुझे करंट लगेगा, इसलिए करंट मेरा बॉडी के ऊपर से होके जाएगा अंदर से, ठीक है, एक छूने से करंट नहीं लग रहा है। अब देखिए ये होता है इलेक्ट्रिशियन का ट्रिक। तो इस टाइप प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि अगर अगर आपके पास मान लीजिए प्लास व्लास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप घर पर मत कीजिएगा, ये मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ इसलिए मुझे पता है, तो आप लोग घर पर मत कीजिएगा इसको ट्राई। तो देखिए इस तरह से मान लीजिए कभी आपके पास प्लास व्लास कुछ नहीं है तो आप किस तरह से इसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए ये करंट है, और दोस्तों इसका जो थ्योरी है वो जान लीजिए, इसको ऐसे टच करके रखिएगा इस तरह से, और इसको ऐसे छुएगा तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन ये अलग होगा तब टच कीजिएगा तो आपको करंट लगेगा। तो ये देखिए ये मैंने इस पर देखिए इसको टच करके रखा हूँ, लाइट जल रहा है, इसको छूऊंगा तो करंट नहीं लगेगा, ये देखिए। तो इस तरह से ये ट्रिक है। तो दोस्तों ये आईसी फॉल्ट, अगर आपका आईसी ख़राब हो जाता है दोस्तों, तो आईसी ख़राब होने के बाद में आपको मार्केट में आईसी इस नंबर का नहीं मिलता है, ठीक है, पहले ये थोड़ा डिटेल जान लीजिए, क्योंकि ये हर एक सर्किट का अलग हर एक टाइप का आईसी लगा रहता है सर्किट में, तो आईसी नहीं मिलता है। तो मैं आपको बिना आईसी चेंज किए हुए ये ट्रिक बता रहा हूँ। ये स्लिप नए मैकेनिक के लिए है, जो पुराने सब्सक्राइबर हुए तो फर्स्ट चैनल में देखे ही होंगे, तो ये मैं नए मैकेनिक के लिए जो नए शुरू से सीख रहे हैं उन दोस्तों के लिए बता रहा हूँ कि ये देखिए ये जो आईसी है, आईसी का आपको इधर से देखिएगा जो लेग गया है, चार लेग इधर रहता है और चार लेग इधर रहता है। तो दोस्तों ये जो फोर लेग है इस तरह से आप शॉर्ट कर लीजिएगा सोल्डिंग की मदद से चारों को, ठीक है। ये देखिए जो बिंदु है ये आपका फर्स्ट साइड में है, इधर नहीं करना है आपको, इसका ऑपोजिट साइड में करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट कर लीजिएगा, शॉर्ट करने के बाद में आपको एक पीएफ लेना है, पीएफ का वैल्यू देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इसको पीएफ बोलते हैं। ये देखिए 105J और 400 वोल्ट का ये पीएफ है, ठीक है। उसके बाद में इसके ऊपर ये दोनों लेग का ऊपर एक मेगा ओम का रजिस्टर लगाना है, जिसका कलर कोड है ब्राउन, ब्लैक और ग्रीन और गोल्डन, ठीक है। दोस्तों अब मैं आपको बता दे रहा हूँ ये रजिस्टर किस लिए लगाया जाता है। रजिस्टर लगाने का मतलब क्या है कि दोस्तों ये जो है ना पीएफ, ये चार्जिंग चार्ज लेता है, ठीक है, ये हो गया कैपेसिटर हो गया, ये सब चार्ज लेने वाला है, एनर्जी स्टोर करता है। तो ये एनर्जी स्टोर करता है, तो इसको जो ये रजिस्टेंस लगाने का मतलब ये इसको डिस्चार्ज करके रखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और इसको चलिए ओके करते हैं। तो पहला नंबर में आपका ये आईसी को चारों लेग को शॉर्ट कर लेना है, इस तरह से शॉर्ट कर लीजिएगा, और ये पीएफ का ऊपर जो लगा लीजिएगा 105J का। अब ये जो दो लेग है, तो ये दो लेग में कभी कभी ये ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्टेड नहीं रहता है, तो आपको ये देख लेना है कि इससे कनेक्ट है कि नहीं। तो कनेक्ट होगा तो किसी भी एक लेग में, दोनों लेग में किसी भी एक लेग में आपको इस तरह से इसको कनेक्शन कर लेना है। तो दोस्तों ये देखिए इसका कनेक्शन हो गया है, और दोस्तों ये होने के बाद में चलिए इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। बस एक पीएफ और एक रजिस्टर के मदद से आप आईसी ओके कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस तरह से दिखा दूं कि तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। और एक इधर देंगे और एक इधर देंगे, और देखिए ये एमपीसीबी ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस आईसी ख़राब हुआ सर्किट में आईसी ख़राब हो तो इस तरह से आप इसको ओके कर सकते हैं।